दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस को सीखे बगैर आप उनमें बात कर सकते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास गूगल की एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल मौजूद है, गूगल ट्रांसलेट। तो आप इस ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उसको वॉइस में लिसन भी कर सकते हैं। तो गाइस, हमारे सामने यहाँ पे देखें, ये दो बॉक्सेस हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अब दोनों बॉक्सेस में हमारे पास दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस की लिस्ट मौजूद है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखें, तमाम की तमाम लैंग्वेजेस यहाँ पे अनलिस्ट की हुई हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको तमाम लैंग्वेजेस शो हो जाएंगी। आप किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पे स्पीक करके टाइप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको माइक्रोफोन नज़र आ रहा है। तो बदकिस्मती से इस वक्त मैं इस ब्राउज़र में आपके सामने वॉइस टाइपिंग नहीं कर सकता, तो आप इस माइक पे अगर क्लिक करके बोलेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइपिंग हो जाएगा। एनी हाउ, बढ़ते हैं हम कि हम किस तरह किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इस बॉक्स में किसी भी लैंग्वेज में टेक्स्ट को एंटर करेंगे, टाइप करेंगे, या वॉइस टाइपिंग करेंगे, या फिंगर टाइपिंग करेंगे, या आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, जो लैंग्वेज आपकी यहाँ पे होगी, या तो वो ऑटो डिटेक्ट करेगा या फिर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में है। और सेकंडली, आप उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सपोज दैट हम एक इंग्लिश का सेंटेंस, जो न्यूज़पेपर एक है ये वाला, यहाँ से एक सेंटेंस मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे ला के ट्रांसलेट में पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, इंग्लिश लैंग्वेज का ये सेंटेंस है और अब हमने यहाँ पे बताना है कि इसको हमने कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उर्दू, तो आप देखें इसकी इंग्लिश जो है ऑटोमेटिकली उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये इसका उर्दू है और ये इंग्लिश है। अब यहाँ से आप इस उर्दू लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये आपका कॉपी हो चुका है। अब कॉपी होने के बाद आप इसको किसी भी प्रोग्राम में जाके पेस्ट कर सकते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ पे पॉसिबल है कि आप उर्दू पेस्ट कर सकें तो आप वहाँ पे इसको ले जा सकते हैं। एनी हो, आप यहाँ से इसको वॉइस में लिसन भी कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप उसको यहाँ पे ट्रांसलेशन करने के बाद इस माइक के बटन पे, इस स्पीकर के बटन पे, सॉरी, क्लिक करके इसको लिसन कर सकते हैं ऑडियो में। आप इसको यहाँ पे देखें, एडिट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। ये एडिट फॉर्म में आ चुका है, आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। यानी वो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। आप इसको यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, ये देखें, ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं या ट्विटर पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उर्दू लैंग्वेज के अलावा आप इस इंग्लिश सेंटेंस को स्पेनिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, स्पेनिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब स्पेनिश आप मेरे से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, इसलिए गुजारिश है कि आप खुद ही इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एनी हाउ, अब हम बढ़ते हैं कि ये हमने इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट किया उर्दू में या स्पेनिश में। अब अगर हम किसी उर्दू सेंटेंस को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ट्रांसलेटर में ला के पेस्ट कर देते हैं, तो ये देखें, हमारे पास ये सेंटेंस आ चुका है और उसने कहा है कि ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू। वो खुद ही समझ रहा है कि ये उर्दू का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू, यानी कि उर्दू है, यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करें। तो ये देखें, उर्दू का बटन ऑन हो गया क्योंकि ये उर्दू में टेक्स्ट है।
अब नेक्स्ट इसको हमने कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल मेथड है। आप उर्दू में करना चाहते हैं दोबारा इसको, तो उर्दू में कर सकते हैं, स्पेनिश में, या आप इसमें से किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें पश्तो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये पश्तो में कन्वर्ट हो गया। अब टिपिकल यहाँ पे फ्रेंड्स आपके साथ एक और पॉइंट शेयर करता हूँ कि सपोज दैट आप किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं किसी से, कोई बंदा आपके साथ किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उस टेक्स्ट को वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। तो आप देखें यहाँ पे जब आप पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है आपकी लैंग्वेज को, यानी आपके टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको बता देता है कि ये कौन सी लैंग्वेज का टेक्स्ट है। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उस लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लेगा। सेकंड बॉक्स में आपने खुद जो लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करते हैं आप उसमें उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, फिर आप उसको समझ के वापसी उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो रिप्लाई अब कैसे करेंगे, सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप करेंगे, उर्दू सपोज दैट आपकी है, या आप इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करते हैं तो उसको स्पेनिश में, सपोज दैट आप किसी स्पेनिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आप यहां से स्पेनिश की ऑप्शन लेंगे, यानी यहां पे आप उर्दू या इंग्लिश लिखते हैं जो आपको आती है लैंग्वेज, और उसके बाद स्पेनिश में आप कन्वर्ट करेंगे उसको तो वो ऑटोमेटिक स्पेनिश में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहां से कॉपी करेंगे उसको और आप व्हाट्सएप वगैरह पे, जहाँ पे भी मैसेंजर वगैरह पे किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे अपने रिप्लाई को। तो इस तरह करके आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में किसी के साथ आसानी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप अपनी बात को उसे समझा सकते हैं या उसकी बात को आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप बहुत बड़ी जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं या आपका कोई रिटन मटेरियल है, कोई टेक्स्ट है, कोई बुक है, आप उसको इसी तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आप उसका टेक्स्ट जस्ट कॉपी पेस्ट करें और उसको किसी भी लैंग्वेज में आसानी के साथ बग़ैर टाइपिंग के कन्वर्ट करें। सो आई होप गाइस के आपको ये एक छोटा सा ट्रिक पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।